यहाँ खड़े हो और वो यहाँ से चले गए हैं? अपने अधीनस्थ के काम मुझे नहीं, उनसे बड़े अधिकारी आप यहाँ खड़े हो, वो क्यों चले गए यहाँ से? कल भी हमने यहाँ खड़े हुए थे, पहले बात तो सुनिए, कल हम यहाँ खड़े थे, उन्हें बोला चाय पिला रहे इंस्पेक्टर साहब को निलंबित करो यहाँ से, और चोरी इंचार्ज को निलंबित करो, और सुमित नाम के कांस्टेबल को निलंबित करो। हम पहले आप ये काम करवाओ, लड़की चार दिन में मिल जाएगी, डेडबॉडी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, एक हिंदू बेटी मारी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अधिकारी यहाँ भरी मीटिंग बोल के जा रहे, निलंबित करवा दो, आप निलंबित करो, चलो आपके अधिकारी बोल के जा रहे साहब, आपके सामने आपके अधिकारी बोल के जा रहे हैं, कोई गरमाई नहीं रही है। बुलंदशहर में विशेष समुदाय के युवक द्वारा दलित छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया है। चार रोज बाद भी छात्रा जब बरामद ना होने पर हिंदू संगठन व भाजपा कार्यकर्ताओं से पुलिस की तीखी नोकझोंक हुई। दो दिन का समय दिया गया था हिंदू संगठनों ने दलित लड़की को बरामद करने का, लेकिन पुलिस कोई भी बरामदगी नहीं कर पाई है। बरामद ना होने पर हिंदू संगठन भाजपा नेताओं ने कोतवाली का घेराव किया। दो दिन में छात्रा बरामद नहीं होने पर होगा बड़ा प्रदर्शन। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का है ये पूरा। हम कह रहे हैं इस बात को, आप नहीं कह रहे, हम आपसे कह रहे हैं इस बात को, लड़की मरेगी हमारी मरेगी, जिंदगी मिलेगी हमारी मिलेगी। आप समय मांगने की बात कर रहे हैं, आपके इंस्पेक्टर साहब समय मांगने की बात कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, आपको जो अफर्ट करने हैं और जो सारी बात है, अब आपके संज्ञान में पूरा मामला आ गया, सारी चीजें हैं। हम परिवार के आपको क्या लोग चाहिए बताओ, एक दो चार छह दस जो चाहिए बताओ, सब लोगों को लेकर चलना, सब चल रहे हैं। एक आदमी ठीक है, हम दो दे रहे हैं, लड़की के ताऊ जी ये रहे, गांव के पूर्व प्रधान और पिताजी ये रहे, दो लोग आपको दे रहे हैं, ठीक है। हमारी जरूरत पड़े तो हम भी करेंगे। दूसरी चीज, आपने चार दिन का टाइम मांगा, नहीं देंगे, दो दिन का टाइम देंगे, क्योंकि एक सप्ताह हो जाता है मुकदमे का, दो दिन का समय दे रहे हैं, दो आदमी दे रहे हैं, दो दिन का समय देंगे, जिससे ज्यादा नहीं दे सकते किसी की मदद, दो दिन का समय दे रहे हैं, दो आदमी दे रहे हैं। आपकी जांच जो चल रही है उसमें और टीमें बढ़ाइए आप, ठीक है, और आप काम करवाओ उस तरीके से। अब तो आपको पूरा मामला संज्ञान में आ गया, और बताओ ठीक है, क्या सहयोग चाहिए आपको? सही है, ये दो आदमी चले और फिर और टीम, आपकी टीम के द्वारा इनसे, हाँ जो अगर कुछ और भी किसी में सको तो लिखे भी दे दे इसके खिलाफ, हाँ लिख के दे दे रहे हैं, बिल्कुल सर घर पे शक्य पूरा उसकी नाम मत लो, सुनो कुछ कार्रवाई गोपनीय भी होती है, इनको।